पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद शहर में करीब 26 करोड़ रुपए की लागत से शहर की खस्ताहाल सड़कों और नालों की दशा सुधारी जाएगी। 2 करोड़ रुपए पथ प्रकाश पर भी खर्च किए जाएंगे। महापौर विनोद अग्रवाल की अध्यक्षता में 15 वित्त आयोग की बैठक आयोजित की गई। पीलीकोठी स्थित मेयर के कैंप कार्यालय सभागार में हुई इस बैठक में 15वें वित्त आयोग की धनराशि से शहर में कराए जाने वाले विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। महापौर ने कहा कि शहर में सबसे अधिक दशा सड़कों की खराब है। बैठक में तय किया गया है कि 15वें वित्त आयोग निधि की टाइट ग्रांट 19.75 करोड़ रुपए प्राप्त हुई है। इसके विपरीत 20.70 करोड़ रुपए की कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसमें 8.67 करोड़ रुपए जल सुधार कार्य पर खर्च किए जाएंगे। इसमें नई पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी। इसके अलावा कुछ नए ट्यूबवेल भी लगवाए जाएंगे। आज 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत बैठक हुई है। इसके अंदर जिला अधिकारी और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और पीडब्ल्यूडी की ओर से उनके प्रतिनिधियों ने सहभाग किया। 2 घंटे तक लगातार हर विषय पर बड़ी डीपली चर्चा हुई, जिसके अंदर सड़कों पे और पेयजल के लिए, पाइपलाइन के लिए और डस्टबिन के लिए, वाहनों के लिए, स्ट्रीट लाइटों के लिए चर्चा हुई। और आज इन सब कार्यों के लिए नगर निगम के द्वारा 15वें वित्त आयोग में टाइड और अनटाइड ग्रांट से इन सब कार्यों के लिए धन आवंटित किया गया है और जल्द ही इन सब कार्यों को टेंडर कराने के पश्चात शुरू करा दिया जाएगा। सावन मास शुरू हो गया, कांवड़ यात्री भी आएंगे, उनको देखेंगे उसके लिए क्या व्यवस्था। यस, उसके लिए भी आज पीडब्ल्यूडी के अधिकारी यहां मौजूद थे, उनको भी सख्त निर्देशित कर दिया गया है कि इन सब जगहों पर पैदल स्वयं चलकर एक एक गड्ढे को उसको देखें और उसको तत्काल मरम्मत कराएं और उसकी स्थिति को ठीक करें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।